हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और यहाँ पर आज मैं शेयर करने वाली हूँ, मैंने कुछ गार्डनिंग टूल्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से, तो उसी का आज मैं थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगी और थोड़ा सा गार्डनिंग के बारे में भी आज बातें करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया गार्डनिंग से रिलेटेड कई सारी बातें नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितने टूल्स सिखा रही हूँ, तीन तरह के टूल्स और एक कटर मंगवाया है। और एक्चुअली एक जो ये आपको बिल्कुल तीखे दांतों वाला दिख रहा है ना, ये मैंने कंपोस्ट के लिए बनवाया है, जो कि मैं घर में बनाना स्टार्ट कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह से बना रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी दिखाऊंगी। यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस कटर का यूज़ कि भाई ये कटर है कैसा, तो चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसका रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ। वैसे कटर ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो मैं प्रूनिंग कर रही हूँ, ये है नींबू के पौधे की प्रूनिंग। भाई नींबू का पौधा जो है ना, इसको बीच बीच में थोड़ी हार्ड प्रूनिंग चाहिए होती है, सो दैट ये अच्छे से ग्रो करे, सारी ब्रांचेस जो है ये चारों तरफ अच्छे से निकाले। नहीं तो क्या होता है ना, एक ही ब्रांच बढ़ती चली जाती है और पौधे की ग्रोथ वहाँ पे हल्की पड़ जाती है। तो अगर पौधे की ग्रोथ लेनी है तो उसको थोड़ा हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ग्लव्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही थी धीरे धीरे। और हस्बैंड मुझे बता रहे थे ना, यहाँ पे गाइड कर रहे थे, देखो कहाँ कहाँ से कटिंग करनी है। ये जो नेट लगा हुआ है ना, इसकी वजह से एक तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मजबूरी है लगवाना, क्योंकि बंदरों का अटैक कभी भी हो जाता है पौधों पे। यहाँ पर है अमरूद का पौधा, तो अमरूद के पौधे को भी प्रून करना पड़ता है, क्योंकि एक तो मेरे को कोशिश करनी है कि धीरे धीरे ये बॉन्ज़ाए बने। बॉन्ज़ाए बनाने के लिए रूट्स को कट करना पड़ेगा, ऊपर से ब्रांचेस को भी कट करना पड़ेगा, और रूट्स को कट करने के लिए मुझे इस पौधे को पूरा निकालना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं निकालूंगी, अभी तो बस इसको ऊपरी कटिंग कर रही हूँ। जितना शूट सिस्टम है इसका, उसी में से मैं इसको प्रूनिंग करूँगी। अभी रूट्स की प्रूनिंग मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ लगाए हुए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो है पतझड़ का, और पतझड़ से अगर पौधों को थोड़ा बचाना है तो प्रूनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया, क्योंकि संडे मॉर्निंग होती है ना, वो ज़्यादातर काम के लिए होती है। यहाँ मैं दिखा रही थी मीली बग्स, जो कि पत्तों के पीछे छुपे होते हैं, तो कटर तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह के जो टूल्स हैं ना, देखो मुझे नाम नहीं पता इनको बोलते क्या क्या हैं, लेकिन ये वाला जो टूल है ये भी ये गुड़ाई के लिए ही होता है आई थिंक, क्योंकि मैं एक ही तरह का यूज़ करती हूँ, जिसको बोलते हैं खुरपी। छोटी सी खुरपी है और वो बिल्कुल सॉलिड वाली है, ऐसे हल्की वाली नहीं है, ज़्यादातर मैं उसी को यूज़ करती हूँ। मुझे एक आध टूल चाहिए था, उसकी वजह से मुझे पूरा सेट मंगवाना पड़ा। ये यहाँ पे देखिए कटर को मैं फिर से यूज़ करके दिखाती है, बहुत फाइन और बहुत ही शार्प है इसका कटर। और यहाँ पे मैं जितनी भी लीव्स ख़राब हो गई थी ना गुड़हल के पौधे की, उसको सही कर रही हूँ। अब क्या है, सीज़न आ रहा है सर्दी का, आ रहा क्या, आ ही गया है। और इन इतनी सर्दी में कई पौधे ऐसे होते हैं, क्योंकि छत पे चारों तरफ धूप हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो कुछ पौधों को मुझे अब शिफ्ट करना पड़ रहा है। और ये मेरा हर बार का काम होता है कि अब काफ़ी सारे पौधों को मैं शिफ्ट करूंगी उस जगह पे जहां पे धूप ज़्यादा आती है, वरना जितने भी पौधे बिना धूप के रह जाते हैं वो धीरे धीरे उनकी रूट्स गलनी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो पानी है वो सूखता ही नहीं। तो इसीलिए अब पौधों की शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही गर्मियाँ आने लग जाती हैं उसके बाद फिर से मुझे पौधों को छाँव में शिफ्ट करना पड़ता है। और इस तरह के टूल्स को ना धो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि मिट्टी ना लगी रहे और गीले में ना रहें, वरना जंग लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उतनी ही तेज़ी से ये टूल्स ख़राब हो जाते हैं। इससे मुझे साथ के साथ इनको वॉश करके ही रखना पड़ेगा। तो ये था गार्डनिंग के टूल्स का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये अमेज़ॉन से मंगवाया था, आप इसको सर्च कर सकते हैं अमेज़ॉन पे गार्डनिंग टूल्स डाल के, ये आराम से अवेलेबल हैं और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, सस्ते ही थे, बजट फ्रेंडली हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।